सुयोग्य बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा में बहुत ही रुचि रही है, जिसमें कक्षा 8 में आपने निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10 में इंडियन काउंसिलिंग फॉर इंटरनेशनल MT द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 1980 में रचनात्मक लेखन में प्रथम स्थान एवं भीति पत्रिका में भी आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा शुरू से आपकी रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका रही है। आप प्रशासनिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में दुखी पीड़ितों की सेवा करने में अग्रणी रहे हैं। आपकी सेवा काल बहुत ही सराहनीय रहा है। अब मैं चेतन कुमार जी से आग्रह करूं कि आपके अनुभव हमें अवगत कराएं। चेतन कुमार, मैं सर्वप्रथम तो जन सरोकार मंच का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मेरे को ये समय प्रदान किया। मैंने अपने जीवन में हमेशा सत्कार्य करने की प्रेरणा अपने गुरुओं से, हरे व्यक्तियों से, माता पिता से और सभी से मैंने प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास किया है। और मैं भविष्य में भी जो भी अच्छे कार्य है उनको करने के लिए लालायित रहता हूँ। मैंने 57 साल में 57 सत्कार्य किए हैं। कुछ तो कुर्मी जी ने बताया, मैं बाल्यकाल से ही अच्छी गतिविधियों में भाग लेने का मेरा रुझान रहा है। कोई भी बुरे कर्म होते हैं उनको तुरंत छोड़ने की कोशिश करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जब मेरा अंत समय हो तो अच्छी सदगति प्राप्त हो। उसके लिए जो भी प्रयास है वो मैं करने के पूरा प्रयास करता हूँ। मैंने अपने कर्म को धर्म से जोड़ रखा है। जो भी कार्य करें वो धार्मिक हो, उसमें किसी का भी अहित न हो, गरीबों का भला हो और साधारण उसको मान्यता प्रदान करे, यही मेरी सबसे अच्छी रुचि है। जैसा कि कुर्मी जी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा से ही मैंने रचनात्मक लेखन, निबंध प्रतियोगिता, समाचार उद्घोषक, स्काउटिंग आदि जितने भी गतिविधियां सब में भाग लेकर मैंने MCOM परीक्षा उत्तीर्ण की है और आज किस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं गर्व से साथ कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में एक हीरो से जीरो से हीरो बनने का प्रयास किया है। मैंने बहुत बहुत नगर पालिका में कार्य किया। मैंने नगर पालिका मालपुरा, विजयनगर, भीनमाल, टोडा, नगर परिषद टोंक और अभी नगर निगम जयपुर में कार्यरत हूँ। जहां भी मैं कार्य किया वहां पर मेरे कार्यों की उच्चाधिकारियों द्वारा एवं जनता के द्वारा सराहना की जाती है। मेरा एक कर्तव्य है कि आज का काम आज, आज का काम अभी, अभी नहीं तो क्यों नहीं, ये मेरा सिद्धांत है। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक बार मेरे से मिल जाता है तो उसको मैं संतुष्ट करके ही देखता हूँ कि मेरा कार्य हो सकता है या इस कारण से नहीं हो सकता। इस वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। मैं डेली 12 घंटे कार्य करता हूँ। ये मेरा रूटीन है कि मैं सुबह 4 बजे जल्दी मॉर्निंग में उठ के प्रभु के जाप करना, प्रभु के दर्शन करना, योग में जाना और मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाना, ये मेरा कर्तव्य है। और मैंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ अलंकरण का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अलंकरण उसी को मिलता है जो दैनिक नित्य पूजा, सामायिक या अच्छे से कार्य करे, उसको सर्वश्रेष्ठ अलंकरण मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में भी मेरे को मनुस्मृति संस्थान के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। मैंने 3 मुख्यमंत्रियों से सम्मान प्राप्त किया है, माननीय बैरो सिंह जी शेखावत, जिनके हेलीकॉप्टर में बैठ के मैं सामान्य रवा अड्डे से निवाई पंच कल्याण में गया, जहाँ पर 10,000 व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब हेलीकॉप्टर आए बहुत और कब
आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, लेकिन कट कट आ रही है थोड़ी आवाज। और कब दंत कल्याण का उत्सव शुरू हो? जिस दिन मैंने भगवान के जन कल्याण के उत्सव में मनाकर मनाया, उस दिन से मैंने चमड़े के जूते बेल्ट 1998 से अब तक कभी यूज में नहीं लिए, और अपने जीवन को सार्थक माना कि भगवान का जन कल्याण में इंद्र के रूप में मैं मेरे को इंद्र का रूप में बनाया गया। इसी प्रकार अभी नमोकार मंत्र लेखन में मेरे को गोल्ड मेडल मिला, माननीय अशोक गहलोत साहब ने भी मेरे को सम्मानित किया, टोडा राइटिंग में माननीय रुचिंद्रा जी ने मेरे को गोल्ड मेडल देके सम्मानित किया। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने तीन मुख्यमंत्री से सम्मान प्राप्त किया हो। वर्तमान में मैंने 580,522 बार नमोकार मंत्र लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन से मेरे को पुरस्कृत करने का कन्फर्मेशन लेटर प्राप्त हो गया। दिसंबर के अंत में गोल्ड मेडल पर सम्मानित किया जाएगा, जो मेरा अहोभाग्य होगा कि मैं एक टोंक से जन्मा एक व्यक्ति लंदन तक अपना नाम पुरस्कृत कराने में सार्थक हुआ है। इसी प्रकार मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उपस्थित होकर पेट का बुचड़खाना हमेशा के लिए बंद कराया। उन निरीह पशुओं की वजह से ही आज ये सम्मान प्राप्त हुआ है कि मैं वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में अपना नाम दर्ज कराने में सक्षम रहा हूँ। मैं अपने जीवन को संतों के जैसे बिताना चाहता हूँ, और ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार संत अपना जीवन बिताते हैं, मैं भी अपना जीवन संतों की तरह ही बिताऊं। उसी प्रकार जो भी अच्छे कार्य है, मैंने कभी हिंसा नहीं की, झूठ नहीं बोली, चोरी नहीं की, परिग्रह नहीं रखा, कुशील नहीं किया, ऐसे एक जनगण के जो पांच महाव्रत है उनको पालने में मैंने पूरा प्रयास किया है। यही मेरा एक जीवन का सार्थक परिणाम है कि मैं आज छोटे से लेके आज इस पद तक पहुंच पाया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आदरणीय, आपके कार्य बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय रहे हैं। अब हमारे बीच में दिनेश कुमार जैन बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूं कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। दिनेश जी, सबसे तो पहले मैं सभी को जय जिनेन्द्र। महामंत्र नमोकार लिखने पर आपको वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, इसके लिए मैं साहित्य मंच टोडा राय सिंह और जन सरोकार मंच टोंक की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं का आप जैसा नाम है वैसा आपने काम किया है, पूरे चेतनों के काम करते हो आप, ये बहुत खुशी की बात है। और आपने जैन समाज ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है। आपके मन में गरीबों के प्रति श्रद्धा है, और गांधी जी ने कहा था कि गरीब में भगवान रहता है। मुझे भली प्रकार मालूम है कि आप टोडा राय सिंह में जब काम करते थे तो प्रातः से सांय तक भगवान का स्मरण करके ही काम करते थे, प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करके भेजते थे। और आज आपकी जो छवि है वो आज भी हमारे दिमाग में है। सबसे पहले तो मैं महामंत्र नमोकार का उच्चारण करना चाहूंगा कि जिसकी वजह से सब कुछ जीवन में अच्छा चलता है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सर्व सामणम, ये ऐसा मंत्र है। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये वो जहाज है जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। तो जैन धर्म में, और जैन धर्म एक विश्व धर्म है, जैन धर्म कोई अलग से कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म और जैन धर्म और ये सब एक हैं।
और इसमें अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, मतलब प्रत्येक को नमस्कार कहा है इसमें पांचों पदों को। एक छोटा सा मन लुभाने वाला मंत्र नमोकार की महिमा का गीत है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं इस अवसर पे, क्योंकि मंत्र जीवन को सद्गति प्रदान कर देता है। मंत्र नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। अनुआगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। अरिहंताणम पद पहला है, अरिआरती दूर भगाता है। सिद्धाणम सुमिरन करने से मन वांछित सिद्धि पाता है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। इस मंत्र की महिमा भारी है। आयरियाणम तो अष्ट सिद्धि और नवनिधि के भंडारी है। उच्छायाणम अज्ञान तिमिर हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सवसाहुणम सब सुखदाता, तन मन को स्वस्थ बनाता है। पद पांचों के सुमिरन करने से मिट जाती सकल बीमारी है। श्रीपाल सुदर्शन मेण रया, जिसने भी जपा आनंद पाया। जीवन के सूने पथ जड़ में फिर फूल खिले सौरभ छाया। मन नंदन मन में रमण करे, ये ऐसा मंगलकारी है। नित नई बधाई सुने कान, लक्ष्मी वर माला पहनाती है। इंद्र नंदी जी गुरुवर मिले, शांति प्रसन्नता बढ़ जाती है। सम्मान मिले सत्कार मिले, भाव जल से नैया तिर जाती है। तो मैं श्री चेतन कुमार जी, बहुत बहुत जो नगर पालिका मंडल में बहुत बड़े अधिकारी हैं और जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, मैं जहां तक समझता हूं आप नमोकार मंत्र की महिमा से ही सब कुछ आपने किया है, तो इस अवसर पे मैं सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि मंत्रों की महिमा भारी है और मंत्र निश्चित रूप से आप स्मरण करें, इसका उच्चारण करें, इससे जीवन में पवित्रता आती है और वातावरण शुद्ध होता है। हम पुरातन संस्कृति को माने, गुरुओं की माने, जैसा भाई श्री चेतन कुमार जी ने बताया कि मैं माता पिता और गुरु का तहे दिल से सम्मान करता हूं। प्रात काल उठ रघुराई, मात पिता गुरु शीश नवाई। भगवान राम ने भी माता पिता और गुरु को पूरा सबसे ज्यादा सम्मान दिया, तो आप भी उसी रामायण के पदों पे ही चल रहे हैं, तो क्यों नहीं आप बुलंदियां छुएंगे। भाई चेतन कुमार जी बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं और टोडा राय सिंह में तो इन्होंने काया पलट ही कर दी है। आपने 57 वर्ष की उम्र में नमोकार मंत्र लेखन में आपका वर्ड बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, ये हमारे जैन समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। 2018 में वर्षा योग था महाराज इंद्र नंदी जी का और आपका यह पदस्थापन था। आप नियमित रूप से सायं और प्रातः महाराज जी के दर्शन करते और अच्छी भावना बांटते थे, मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैं आपको व्यक्ति से भी जानता हूं। तो आपने बहुत जन कल्याणी योजनाओं में काम बहुत अच्छा किया है। हमारे यहाँ ये गाड़िया लोहार थे, उनको आपने पट्टे वितरित किए, जिनके चेहरे 40 वर्षों से मुरझा रहे थे उसको एक दिन में आपने खिला दिया, ये बहुत सौभाग्य की बात है उन गरीब लोगों के लिए। उनके दिल में जो जगह है वो आपको कभी भूल नहीं सकते। आपने जिसके पट्टे नहीं बने उसको पट्टे दिलवाए, व्यक्तिगत रुचि रखे। सरकारी योजनाएं आती है चली जाती है, कागजों में आती है कागजों में, लेकिन आपने धरातल पे कार्य किया है। मैं आपको भली प्रकार जानता हूं, आप पूरे मन से काम करते थे और मन की शक्ति तन की शक्ति से ज्यादा मजबूत है। मैं इस अवसर पे आपसे कुछ सीखने लेना चाहता हूं कि आप में मन प्रगाढ़
क्यों है आप बताने का श्रम करें श्री चैतन्य कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, जैन साहब, आदरणीय चेतन कुमार जी, जैन साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप टोडराय सिंह में रहते हुए विकास की गंगा आपने बहाई, मेरा तो मानना है कि आपका कार्यकाल स्वर्ण युग जैसा रहा है टोडराय सिंह, तो आपके विकास कार्यों को लेकर हम अनुभव लेना चाहते हैं, किस प्रकार आपने कार्य किया, कैसे कैसे कार्य करवाए आदरणीय चेतन जी। देखिए मेरे मन में भावना थी एक नगरपालिका ये नगरपालिका में कौन कौन से कार्य करा सकता है, कितनी क्षमता होनी चाहिए, किसमें उसको पावर है जिसका वो उपयोग कर सकता है। मैं जो मेरे चाचा जी भी लगते हैं चेयरमैन महावीर प्रसाद जी जैन जो लड़ाई चेयरमैन रहे लगातार 18 साल, उनसे वो प्रेरणा ली कि किस प्रकार एक शहर कोटाराय सिंह एक गांव जैसा लगता था, जिसको मैंने एक सुंदर शहर बनाने के लिए मेरे मन में योजना थी, जिसको मैंने फली प्रकार से निर्वहन किया, जिसमें एमएलए साहब कन्हैयालाल जी चौधरी और भाई पंत कुमार जी जैन चेयरमैन उनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया, जिसका ही परिणाम था 4 साल 4 माह में टोडराय सिंह की काया पलट हो गई। ऐसे ऐसे कार्य है, हॉस्पिटल की रोड बनाना, एक पहाड़ को काटकर एक सड़क बनाना, एक पहाड़ को जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर एक पहाड़ को उठाकर लक्ष्मण को संजीवनी दी थी, उसी प्रकार मैंने टोडा को भी एक संजीवनी देने का काम किया। मैंने गौशाला खुलवाई और चारों चारे की व्यवस्था घर 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 चारा संकलित कराकर गौशाला को चलाया, जिससे कि किसी पर भार भी नहीं पड़ा और गायों का सेवा की। मैंने टोडराय सिंह को स्वच्छता में राजस्थान में प्रथम इनाम दिलाया, मैं राजस्थान में पट्टे देने में फिर 14 साल रहा, नगर पालिका सेवाओं में जो जो भी कार्य हो सकते थे वहां आग बहुत लगती थी, मैं फायर ब्रिगेड अपने प्रयासों से एक फायर ब्रिगेड और लाके रख दी, 50 साल का रेन बस 50 लाख रुपए रेन बसेरा के लिए बनाए। रेन बसेरा एक ऐसी जगह थी टोडराय सिंह की कोई होटल नहीं है, वहां पर बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, मैंने बस स्टैंड पर रेन बसेरा बनाया, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाहर से आने वालों के लिए रहने का स्थान है। प्रत्येक चौराहे पर स्मृति बनाए, अम्बेडकर सर्किल बनाए और महात्मा ज्योतिराव फुले सर्किल बनाया, सुंदर सुंदर सर्किल बनाए, नेहरू पार्क जो कि शहीद स्मारक जिले में पहला शहीद स्मारक मैंने बनाया, जिले की पहली ओपन जिम मैंने नेहरू पार्क में खुलाई, टोडा का ऑफिस जो राजस्थान में एक अनूठा ऑफिस था, प्रशासनिक कार्यों में भी जितनी मैं हर 15 दिन में शायद शासन मंत्री डायरेक्टर साहब और इनसे मिलकर जो विकास के लिए जो जो भी राशि आ सकती थी मैंने लाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसका ही परिणाम है कि टोडराय सिंह गांव से एक शहर की रूप में देखा जाने लगा। मेरा एक और काम था कि जो टोडराय सिंह का किला है इसको टूरिज्म के रूप में विकसित करा था, किंतु ये मैं नहीं करा पाया, या मेरे को अभी आता है कि अगर टोडराय सिंह में किला टूरिज्म से जुड़ जाता तो टोडराय सिंह सोने की चिड़िया के रूप में कहलाता और पूरा पर्यटन टोडराय सिंह से जुड़ जाता। मैंने अपने जीवन में 201 नौकरियां दी है और दोनों 201 व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहे हैं, जिनको सफाई कर्मचारी बनाया था वो आज सफाई इंस्पेक्टर को है, बाजू है और अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे, किसी एक को नौकरी देना एक जीवन दान देने के बराबर है। मैंने अपने जीवन में तो एक नौकरी अपना ये सब कार्य पूर्ण किया है, जो निरीह पशु है जो मेरे सामने गाय कटती थी उनको मैंने सुप्रीम कोर्ट से हमेशा के लिए बंद कराकर निरीह पशुओं को जीवो और जीने दो का सिद्धांत
अहिंसा का सिद्धांत, जो महावीर भगवान महावीर का सिद्धांत था, जिन्हें दो गांधी जी का सिद्धांत था कि दूसरों पर दया करो, इनका मैंने पूर्ण पालन करके अपने जीवन में अच्छे कार्य करने की पूर्ण भरसक प्रयास किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय, आपका टोडराय सिंह स्वर्णमयी युग रहा है, आपने विकास की गंगा बहाई यहाँ और सभी क्षेत्रों में आपके सराहनीय कार्य रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आप टॉप में भी कार्य रहे थे, टॉप में भी ऐसे कौन कौन से आपने नवाचार किए हैं जो प्रेरणादायी है? टोंक में मैंने गरीबों को, जो भी गरीब होता था उनके मकान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया है। वो व्यक्ति मेरे को कभी भी मिलते हैं तो मेरे को धन्यवाद देते हैं, मैं उनको नहीं जानता लेकिन वो व्यक्ति मेरे को जानते हैं कि आपने मेरे मकान बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। एक गरीब का सपना होता है कि उसका एक मकान बने, मैंने गरीबों के मकान बनाने में टोंक में काफी कार्य किया है। मैंने टोंक में 18 साल अपनी सेवाएं दी है और 18 साल में मैंने कई पुरस्कार जीते हैं। एक आईएएस उमेश कुमार जी, जितने भी कलेक्टर होते थे कलेक्टरों ने मेरे को काफी सहयोग दिया और मैंने नगर परिषद की आय बढ़ाने में बहुत कुछ योगदान दिया। टोंक मेरा जन्म स्थान भी है तो मैंने हर बच्चे को अपना भाई अपना पिता तुल्य और बहनों और माता तुल्य माना है और सभी को मैंने अच्छा कार्य करके उसको सब सब कार्य की ओर बढ़ाया है। जी 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 बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल आपसे कि आपने नमोकार महामंत्र लिखने की शुरुआत कब से की और इसको लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा था? क्या आपको विश्वास था कि एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाऊंगा? बताइए सर। शायद आवाज नमोकार मंत्र वर्ष 2004 से लगातार लिखना प्रारंभ लिखा है, उसके मन की शांति मिली, मेरे जो रुके हुए कार्य थे वो सब अच्छे मिले और मेरे जीवन में प्रेरणा रही। नमोकार मंत्र विश्व का महामंत्र है, इससे सारे संकट टल जाते हैं। तो मैं इस अवसर पर सबको यही प्रेरणा दूंगा कि सभी लोग इस मंत्र को ध्यान लिखें, उससे आपको लेखन भी सही होगी और आपका जीवन सुखमय बनेगा। मेरा कोई उद्देश्य वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का नहीं था लेकिन जब मैंने इन मंत्रों को गिना तो बहुत बड़ी संख्या में ये मंत्र है और ये मंत्र मैंने लिखे नमोकार मंत्र बैंक हस्तिनापुर में जमा कराए, जहाँ आर्य का ज्ञानमती माता जी ने मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, जिसका ही परिणाम है कि मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अपना नाम दर्ज करा पाया हूँ। जी जी आदरणीय, स्कूली विद्यार्थियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे स्कूली विद्यार्थियों को? स्कूली विद्यार्थियों को यही प्रेरणा दूंगा कि वो सभी गतिविधियों में भाग लें और पढ़ाई में मन लगाकर करें, उनका भी जीवन सुखमय होगा, उनके सारे दुख दर्द दूर होंगे, वो भी अच्छे अच्छे पदों पर बैठकर अपना कार्य कर सकेंगे। यही मैं सब बच्चों को अपनी प्रेरणा देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा अगला सवाल है आदरणीय, आप टोडराय सिंह रहते हुए एक सफाई कर्मी राजकुमार को उसके कार्यों को देखकर आपने उत्कृष्ट कार्य करने की एवज में जयपुर स्वायत्त शासन मंत्री के हाथों सम्मानित करवाने का बीड़ा आपने किस तरह उठाया? मैंने जो जमादार थे वहाँ जिसको स्वच्छता दूत के रूप में स्वायत्त शासन मंत्री स्वायत्त शासन मंत्रालय से उसको इनाम दिलाया। मैंने रोटरी क्लब मालपुरा को एडिटिंग बंद करने के एवज में उनको भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्रालय को इनाम दिलाया। एक में पहला व्यक्ति था
जो पूरे राज्य में एक साथ तीनों एग्जाम जीते और उसका प्रसारण 137 चैनलों पे 137 देशों में हुआ, यह भी एक रिकॉर्ड है कि एक छोटे से बच्चे का लाइव टेलीकास्ट 137 देशों में हो, ये मामूली बात नहीं है जो कि मैंने अपने कार्य में करके दिखाया। आपने ये कहा, ये इस अवसर पर मेरे को यह भी याद आया कि 137 देश, कई लोगों ने कहा कि आपका हमने लाइव टेलीकास्ट देखा है, तो मेरे को भी प्रसन्नता हुई कि 137 देशों में मेरा प्रसारण सीधा दिखाया गया। अभी चांदखेड़ी में मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने राजस्थान जैन समाज की तरफ से मेरे को सम्मानित किया, जो भी एक बहुत बड़ा अवसर था। कोटा जैन समाज ने भी मेरे को सम्मानित किया और आज जनसरोकार मंच से भी मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ये सब उस नमोकार मंत्र और वो अहिंसा का संदेश, जीवो और जीने दो, भगवान महावीर का संदेश, जो सत्कार्य हिंसा झूठ जो भी कुशील परिग्रह, इनका त्याग करना, इनका ही परिणाम है कि एक छोटा सा व्यक्ति जिस आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है, एक इंसान अगर सत्कार्य करता है तो वो उच्च पद पर पहुंचता है। मैंने भी इसी पद को प्राप्त करने के लिए सत्कार्य किए हैं जो प्रेरणादायी है। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं। जी साहब, आप सवाल पूछे। एक बच्चा नवजात शिशु जन्म लेता ही है, वो सोने की चम्मच से दूध पिया जाता है और एक गंदे नाले में वहां भी उसका जन्म होता है, वो जीवन पर्यंत जीवन के प्रति संघर्ष करता रहता है। ये तो सही है, भगवान महावीर ने कहा था मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से मान बनता है। मेरा सवाल ये है, क्या जन्म जन्म के कर्म साथ ही चलते हैं और कर्म और भाग्य में क्या है ये? कुछ व्यक्ति तो जीवन पर्यंत दुखी पाते हैं और कुछ व्यक्ति का भाग्य ऐसा प्रबल होता है कि उनको आगे से आगे सुविधा मिलती रहती है। आपके पास कोई ऐसा मंत्र हो तो हमें भी बताएं। देखो, पूर्व जन्म के वजह से ही मनुष्य जीवन मिलता है। यदि मनुष्य जीवन में यदि सत्कार्य नहीं किया तो वापस नरक में जाना पड़ता है। ये जो नरभव मिला है ये पुण्य योग से मिला है और पुण्य योग करते रहोगे तो अपने आप अपने मन को शांति मिलेगी। मन अपना मन ये कहता है कि आप अच्छे कार्य करो, लेकिन व्यक्ति उन अच्छे मन को दबा देता है। मन अंदर से कहता है कि मंदिर चलो, लेकिन आलस्य आलस्य है उसकी, अच्छी भावना नहीं हो, यदि आदमी को रोकती है। यदि आदमी सच्चे मन से प्रभु को ध्यान करे तो संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सके। यही मेरा आपका निवेदन है। चेतन कुमार जैन के कदम धर्म और कर्म का समायोजन कर आगे की ओर बढ़ रहे थे। आपको श्री श्री 1008 श्री मज्जिनेन्द्र आदिनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, मान स्तंभ मस्तकाभिषेक, गजरथ महोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ में सम्मिलित होकर सफल बनाने में सराहनीय योगदान पर अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। कुछ कर गुजरने का साहस मन में हो तो भगवान भी अपनी अनुकंपा की बरसात करता ही रहता है। चेतन कुमार जैन के साथ भी ऐसा ही कुछ घटित हो रहा था। अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ नई दिल्ली एवं मनु ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान टोंक द्वारा सम्मान हो या अग्रवाल 84 समाज को गौरवान्वित करने पर परम पूज्य मुनि 108 श्री इंद्र नंदी जी महाराज का आशीर्वाद हो या दशहरा महोत्सव टोंक में सराहनीय योगदान देने पर तत्कालीन जिला कलेक्टर डॉक्टर आरुषि मलिक द्वारा दिया सम्मान, यह चेतन कुमार जैन की सदाशयता को अभिव्यक्त करता है। मालपुरा शहर में आचार्य 108 वैराग्य नंदी जी महाराज ससंग एवं जिला कलेक्टर टोंक मुक्तानंद अग्रवाल के नेतृत्व में नशा मुक्ति कार्यक्रम का सफल आयोजन भी आपके सानिध्य में ही हुआ।
एक ओर सामाजिक सरोकार तो एक ओर राजकीय सेवा में अलंकृत होना चेतन कुमार जैन की भाग्य लिपि का ही हिस्सा था कि नगरपालिका मालपुरा के अध्यक्ष सुभाष गालव के नेतृत्व में क्लीन ग्रीन सिटी श्रेणी में मालपुरा अग्रणी श्रेणी में गिना जाने लगा। नगरपालिका विजयनगर में सेवा के दौरान क्रांतिकारी राष्ट्र संत 108 तरुण सागर महाराज श्री का परम सानिध्य चेतन कुमार जैन को प्राप्त हुआ। इसी दौरान अपने कर्म का निर्वाह करते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विजय नगर पालिका को राज्य में चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। मुनि 108 कुलभूषण नंदी के सानिध्य में विचार परिवर्तन का अभ्युदय एवं यह संत कृपा का ही परिणाम था कि 1999 में चेतन कुमार जैन को मुनि 108 प्रज्ञा सागर जी महाराज के द्वारा श्रावक श्रेष्ठ अलंकरण उपाधि प्रदान की गई। राजकीय सेवा के साथ साथ 2004 में श्री नमोकार महामंत्र बैंक जम्बूदीप हस्तिनापुर में 31,265 नमोकार मंत्र लिखकर जमा कराने पर आर्य का 105 गणिनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा शरद पूर्णिमा महोत्सव पर रजत पदक वर्ष 2004 प्रदान किया। नवंबर 2011 में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नमोकार मंत्र लेखन में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड एवं सिल्वर मेडल प्राप्त कर राजस्थान राज्य का गौरव बढ़ाने पर सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2011 को अखिल भारतीय स्तर पर नमोकार मंत्र लिखकर जमा कराने पर स्वर्ण एवं रजत पदक प्राप्त कर टोंक जिला अखिल भारतीय स्तर पर डॉक्टर आरुषि मलिक द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। इसी श्रृंखला में 25 अक्टूबर 2011 को टोंक विधायक माननीय जखिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर टोंक जिले का नाम गौरवान्वित करने पर प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।